आज की कक्षा में हम लोग बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं आज हमें किडनी समाप्त करना है और फिर एक और सिस्टम आपका बचेगा तो अंतिम पड़ाव पे सैटरडे संडे को अति व्यस्तताओं के कारण से हम लोग अपने लेक्चर्स को नहीं स्थापित कर पाए कुछ लोगों का मेरे पास संदेश भी आया था कि सैटरडे संडे को सर हम फ्री नहीं हो पाते हैं तो क्लासेस ना ही रहा करें तो ज्यादा बेटर है अधिकाधिक लोगों का ऐसा आया था संदेश चलिए तो शुरू करते हैं सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी हेडिंग डाल लीजिए किडनी किडनी के विषय में मैंने आप सभी लोगों को पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था बताया था कि किडनी क्या है कैसे फंक्शन करती है और क्या उसका मूल कार्य है ठीक है तो आज हेडिंग डाल लीजिए किडनी छोटी हेडिंग किडनी देखिए मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग मेजर एक्सक्रिटरी ऑर्गन मेजर एक्सक्रिटरी ऑर्गन एक जोड़ी किडनी के रूप में किडनी को हिंदी में वृक बोलते हैं किडनी के रूप में होती है जो ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से या सर्कुलेटरी सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर करने में उपयोगी होती है उपयोगी होती है पॉइंट नंबर थ्री वृक बीन्स जैसी होती है बीन्स जैसी होती है बीन्स जैसी होती है जो करीब चार से पांच इंच लंबी चार से पांच इंच फोर टू फाइव इंचेस लंबी दो इंच चौड़ी और डेढ़ वाली होती है चार इंच का मतलब आप इतना मान के चलिए इससे ज्यादा बड़ी नहीं होती ये इतना आकार जो है वो चार इंच का है, चार से पांच इंच लंबी दो इंच चौड़ी और डेढ़ इंच मोटी होती है इसका औसत भार एवरेज वेट अप्रोक्स डेढ़ एक सौ चालीस से एक सौ पचास ग्राम तक होता है एक सौ चालीस से एक सौ पचास ग्राम तक होता है बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बाहरी भाग को कॉर्टेक्स एवं आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है मेड्यूला कहा जाता है ब्रैकेट में लिखिएगा दबाव युक्त आसनों का प्रभाव दबाव युक्त आसनों का प्रभाव मेड्यूला के ऊपर कॉर्टिक्स की अपेक्षा ज्यादा होता है मेड्यूला के ऊपर कॉर्टिक्स की अपेक्षा ज्यादा होता है दबाव युक्त का मतलब वो सारा आसन जिसमें आप बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं सामान्य और उसको होल्ड रखते हैं जैसे Uh, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मंडू का आसन है तो मंडू कासन दबाव युक्त आसन है ऐसे ही मयूर आसन अगर आप देखते हैं तो मयूर आसन भी दबाव युक्त है अब मयूर आसन का प्रभाव यदि आपको बढ़ाना हो तो आपको करना क्या होगा सिर्फ बद्ध पद्म मयूर करना होगा अगर आप पैर को बांध लेते हैं और बांध के उसके बाद पद्मासन लगा के फिर मयूर आसन करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा प्रभाव क्रिएट करता है ठीक है तो योग का सामान्य प्रभाव जो है वो मेड्यूला के ऊपर मूल रूप से ज्यादा देखा गया है आगे लिखिए मिड्यूला कौन आकार की रचना होती है मेड्यूला में कौन रूपी रचनाएं होती है कौन से जैसी रचनाएं होती हैं जिसे पिरामिड कहा जाता है पिरामिड कहा जाता है सारी पिरामिडें सारी पिरामिडे माने जो भी पिरामिड है एक थैली जैसी संरचना में खुलती है नीचे से एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें खुलती है इस हिस्से को रेनल पेल्विस कहा जाता है रेनल पेल्विस कहा जाता है इस हिस्से को रेनल पेल्विस कहा जाता है आगे लिखे वृक यानी किडनी पेल्विस से किडनी के पेल्विस से किडनी पेल्विस से एक लंबी और सक्री नलिका निकलती है एक लंबी और संकरी के मतलब थोड़ी सी पत्ती बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं सकरी नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहा जाता है मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहा जाता है अब अगेन एक ब्रैकेट दीजिएगा और लिखिएगा यूरेटर के ऊपर जौ का प्रभाव अपरिमित होता है जौ जौ का मतलब होता है जो है उसको अगर किसी को पेशाब से संबंधित कोई बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो किडनी और किडनी तंत्र के लिए सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है जौ जौ को प्रयोग करने का कई सारा तरीका है चाहे तो आप उसका पानी रात भर जौ को भिगो दीजिए सुबह उसका पानी पी लीजिए वीट ग्रास बना लीजिए जौ को बो दीजिए वो घास के रूप में जब एक एक दो दो तीन तीन इंच की इतनी बड़ी बड़ी हो जाए तो उसकी घास निकाल के पी लीजिए जिसको हीमोग्लोबिन कम हो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन होता है है ना तो ये सब जौ का मतलब अपरिमित लाभ है और जौ यदि लेते हैं तो किडनी में पथरी नहीं बनेगी नंबर एक चीज नंबर दो चीज ये है कि यूरेटर्स में जो पथरी आती आगे अटक जाती है ऐसी पथरियों के लिए सबसे खतरनाक चीज होता है टमाटर बैगन हर वो पदार्थ जो बीज बीजयुक्त हो वो परेशान करता है तो हमें ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जो अतिशय मात्रा में बीज रखते हैं जैसे अमरूद वगैरह भी है उसका भी बीज है लेकिन अमरूद का बीज तो बाहर निकल जाता है थोड़ा ज्यादा बड़ा है लेकिन टमाटर का जो बीज है बैगन का बीज है वो थोड़ा चपटे आकार का होता है तो उसके फंसने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और वो और उससे निकलने वाले तत्व भी घातक होते हैं जो उनके अंदर तत्व होता है उन तत्वों के कारण भी थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है कौन बताएगा टमाटर के बीज में कौन सा तत्व पाया जाता है बैगन के बीज में कौन सा तत्व पाया जाता है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है ये सब बेसिक क्वेश्चन है आपको आना ही चाहिए क्लास का क्वेश्चन लाइकोपीन एक तत्व तो होता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है और वो किडनी के लिए भी ठीक रहता है आगे लिखिए मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर कहते हैं मूत्रवाहिनी हिंदी में सिंपल हो गया यूरेटर उसका अंग्रेजी शब्द हो गया आगे दोनों ओर की मूत्र दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां यानी वाहिनी का मतलब जो जिससे मूत्र होगी गुजरता हो या इंग्लिश में लिख सकते हैं दोनों तरफ का यूरेटर दोनों हिस्सों का यूरेटर एक ब्लैडर में खुलता है एक ब्लैडर में खुलता है जिसे यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय कहा जाता है यूरेनरी ब्लैडर या मूत्राशय कहा जाता है लिखिए प्रत्येक किडनी से लगभग प्रत्येक किडनी से लगभग एक लाख तीस हजार माइक्रो ट्यूबल्स कार्य कर रही होती हैं प्रत्येक किडनी में लगभग एक लाख तीस हजार एक लाख चालीस हजार ट्यूबल्स कार्य करती हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है कार्यात्मक इकाई है फंक्शनल यूनिट है फिर ब्रैकेट दीजिए और लिखिए एल्कोहल का और हैवी दवाओं के कारण से नेफ्रॉन की क्षति सर्वाधिक होती है ब्रैकेट में लिखिएगा एल्कोहल से और हैवी दवाओं से जिसमें क्रोसिन जैसी दवाएं है, हैवी पैरासीटामॉल है पाँच सौ एम से ऊपर जितनी भी दवाएं आती हैं छह सौ पचास एम जी हजार एम तक की जो दवाएं होती है सब परेशान करती है इसलिए कभी भी हैवी दवाओं को नहीं लेना चाहिए वो किडनी के ऊपर बड़ा गंदा इम्पैक्ट डालती है साथ में जितना भी ये यूरिया युक्त खाना है जो भी आप लोग डाई यूरिया पोटास सल्फर आजकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को दे दिया जाता है और किसान प्रोडक्शन बढ़ा देता है उस चक्कर में व्यक्ति बीमार हो रहा होता है शहरों में रहने वाले अतिशय लोग जो हैं बहुत सारे लोग वो इन्हीं छोटी छोटी परेशानियों से परेशान रहते हैं और व्यक्ति अभी मैं दो दिन पहले दो चार दिन पहले यहाँ दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा हुआ था जिसको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था वो ट्रेड फेयर में मैं गया हुआ था तो आप यकीन मानिए लाइन से दुकानें लगी पड़ी हैं और सर्वाधिक चीज जो मतलब मैंने अपना पूरा रिपोर्ट जो चूंकि मैंने अभी भी किया तो मैं थोड़ा बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ क्या कर रहे हैं लोग तो मैंने देखा कि सर्वाधिक जो बल दिया है इस समय की जनता ने वो है शुद्धता के ऊपर शुद्ध खाने के ऊपर और लोग उसको किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार है सरसों का तेल आप समझिए लोग आ, सामने मतलब एक मशीन बनी हुई थी वो मशीन बेचने के लिए कोई आया हुआ था कोई कंपनी थी वो मशीन बनाती है सरसों के तेल वाली तो वो अपना अपना दुकान लगाए पड़े थे वो बता रहे थे कि इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी से इसको लगा दीजिए घर के अंदर और सरसों को खरीद के लेके आइए आपको करना है सिर्फ सरसों डालते जाना एक साइड से उसका वेस्ट मटेरियल निकलेगा दूसरे साइड से शुद्ध तेल जो है वो आप अपने घर पर ही बना सकते हैं तो अब देखिए और वो उनके जो कारण थे बताए जाने वाले कि इस समय सरसों का तेल बड़ा बेकार मिलता है और सब उसमें मिक्स है लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है तमाम चीजें तो जनता जो है वो पैसा सबके पास है कोई भी अमाउंट लोग देने को तैयार है बा शर्त की आप शुद्ध भोजन दें अभी आटे का ब्रांड देखो आप यहाँ आशीर्वाद आटा चलता है दिल्ली नोएडा में आप लोग भी जो लोग यहाँ रहते होंगे जानते होंगे आशीर्वाद आटा जो है जिसके अंदर खूब सारा मैदा है ठीक है उसकी रोटियां सफेद होती हैं सामान्य से ज्यादा सफेद होती हैं वही जो पंच रत्न वाला आटा होता है जो नौ रत्न वाला आटा होता है वो थोड़ी उसकी रोटियां काली होती हैं अब हम लोग क्या है पढ़े लिखे हैं ना अभी यहाँ हमारे नोएडा में एक बड़ी सी बाजार लगती है फलों की तो वहां पे मैं सब ये अनुभव साझा कर रहा हूं आपके साथ की देखिये हम लोग पढ़े लिख के भी कितने महान मूर्ख है उसकी मैं आपको प्रतिक्रति दे रहा हूँ कि हम लोग जाते हैं जब बाजारों में तो क्या देखते हैं कि सेव के ऊपर बहुत जो चमकदार सेव है उसके ऊपर एक स्टीकर लगा रहता है बेस्ट क्वालिटी का हमें लगता है कि ये सेव ही बेस्ट क्वालिटी का है पेड़ से जब ये पैदा हुआ था तो पेड़ ने इसको बेस्ट क्वालिटी का स्टीकर लगा के कश्मीर से सीधा भेजा हमारे पास कि ये खाइए और ये बेस्ट क्वालिटी है और हम लोग कहते हैं यस आई नीड दैट बड़ा बड़ा सेव डल क्वालिटी का इंजेक्शन लगा लगा के बढ़ाए गए वो सेव हाँ और उसके ऊपर मोम से पॉलिश की जाती है ताकि वो चमके और जब चमकेगा तभी तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो बुद्धिमान है जिनके घरों में जाएगा तो वो अपने डाली में उसको सजा के रखेंगे और डाली में सजा हुआ रखेगा तो फिर लोग बोलेगा अरे ये तो महंगा वाला बड़ा वाला सेव और वहीं मैं क्या खरीद रहा हूँ मेरे बगल वाले लोग जो मतलब मेरे साथ के लोग सेव खरीद रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का खरीद रहे हैं वो दो सौ किलो और मैं खरीद रहा हूँ सौ रुपये किलो जो छोटा वाला है ठीक है जो थोड़ा सा पॉलिश नहीं है गंदा सा उसकी शक्ल ही बेचारे की गंदी है ऐसा लग रहा है वो मार्केट में आया ही क्यों था उसका तो जीवन ही व्यर्थ ऐसे ऐसे वाला से लोग बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बेर आ गए हैं आप सोचिए डंगल क्वालिटी का बेर है पचास बेर खा लो पेट भर जाएगा क्वालिटी किसी मतलब जो माइक्रो माइक्रोन्यूट्रीश है वो किसी में नहीं वियतनाम इन चीजों में बड़ा सटीक देश है वियतनाम इतना सा भी साइज यूज करना नहीं चाहता तो इन सब में हम किसको परेशान करते जानते हैं हम परेशान करते किडनी को और बूढ़े होते होते क्योंकि देखो किडनी अपने खराब होना तो अभी से शुरू हो गई होगी मेरी ही ले लो मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं तो यहां मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या खा ले रहा हूँ ठीक है आ रहा है चलो ठीक है जितना कम खा सकते हैं एक्सरसाइज कर रहे कर रहे हैं लेकिन अब बुढ़ापे में किडनी खराब हो जाएगी तो मैं सोचूंगा यार मैं तो योगा किया जीवन भर खराब कैसे होगी अब कल को मान लो मेरे को ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो अब मैं सोचूंगा कि मैंने तो पूरा जीवन लोगों को पढ़ाया है मैंने किया भी है खूब सारा लेकिन अब दिल्ली की हवा को मैं दोष नहीं दूंगा दिल्ली की हवा जो है जिसका एक यूआई के पार रहता है ठीक मतलब है।, है ऐसे प्रदूषण का इतना नकारात्मक प्रभाव फेफड़ा मेरा लड़ रहा है युद्ध कर रहा है इस समय मेरे बगल में मॉस्किटो का कॉयल जला पड़ा है कल बारिश हो गई दिल्ली में तो मच्छर है तो मॉस्किटो का कॉयल मेरे को एक रात भर में जितना वो जलेगा वो ऑल आउट का वो सीसी वो पूरे एक सिगरेट से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव मेरे ऊपर डाल देगा तो मैं किसी सिगरेट वाले को बुरा कहूँ कि वो सिगरेट पी के बुरा कर रहा है इससे ज्यादा बुरा तो मैं ही हूं ना मैं पैसिव स्मोकर हो गया वो एक्टिव स्मोकर है मैं पैसिव स्मोकर हूँ इतना ही अंतर तो हम लोग हम लोगों का अंग जो है ना वो बहुत ताकतवर है और आपको करना क्या है सिर्फ रिजुबिनेट करते रहना आपको क्या करना है हमेशा किसी भी अंग को ठीक रखने का तरीका ये है कि आप वो खराब हो रहा है उसके ऊपर गलत 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 प्रभाव हो रहा है जैसे आप घर की टाइल्स मान लो अब टाइल्स है तो वो गंदी हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है इतनी मोटी परत भी उसके ऊपर धूल की जम जाएगी ना आप एक दिन लाके पानी मार दोगे तो वापस वैसे ही चमकदार हो जाएगी हो जाएगी नहीं हो जाएगी ऐसे ही हमारा अंग है हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ ये फोकस बना के रखना है मस्तिष्क में ये बात मरने नहीं देनी है कि नहीं नहीं अरे यार अब तो हम तो यूज टू हो चुके हैं नहीं हमें याद रहना चाहिए कि नहीं गंदा तो हो रहा है जैसे मैं दिल्ली में हूं मेरे को हर क्षण ये बात पता है नहीं गंदा तो हो रहा है फेफड़ा गंदा हो रहा है मेरे को शुद्ध शुद्ध कब करना करना होगा होगा जब भी मैं हिमालय की यात्रा पे हूँ या कहीं पहाड़ों की यात्रा पे हूँ तो अपनी साधनाओं से या अन्य जो भी शोधन क्रियाएं हैं उन शोधन क्रियाओं का अभ्यास करके इसकी शुद्धता का ध्यान रखूंगा वापस से वो क्लीन हो जाएगा ये बात मुझे पता तो हमें बतौर योग अध्यापक इन बातों का विशेष ध्यान रखना और किडनी लिवर हार्ट लंग्स ये सब बेहतरीन अंगों का उदाहरण है और इनका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा और इन सबके इन किडनी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किडनी के लिए जौ बहुत अच्छी चीज मानी जाती है जूस जो है घासों का जूस वो भी बहुत अच्छा माना जाता है जो भी घास है नागर मोता घास होती है बड़ी वाली वो घास बहुत अच्छी है पपीते के पत्ते का जूस बड़ा अच्छा माना जाता है अगर आप मूली का पत्ता ले लिया उसका जूस बहुत बढ़िया है नीम बहुत अच्छी है करेला बहुत अच्छा है जो भी कड़वे जूस है ना वो सारा जूस बहुत बढ़िया कार्य करता है और साथ में ये जो अनार वगैरह है ये भी बहुत अच्छे तरीके से अनार का तो बहुत अच्छा सिद्धांत मैं आपको कभी बताऊंगा कि इसी लेक्चर में कि अनार का गुण क्या होता है कैसे कार्य करता है किडनी के ऊपर उसका भी मतलब एक एक उसके न्यूट्रिय का बड़ा शानदार प्रभाव देखा गया है किडनी uh, और रक्त से संबंधित रोगों के ऊपर आगे लिखिए यूरनरी ब्लैडर में खुलती है ये हो आगे लिखिए छोटी हेडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन कैसा होता है लिखिए प्रत्येक नेफ्रॉन एक प्याली जैसी संरचना होता है प्याली नुमा संरचना होती है प्रत्येक नेफ्रॉन प्याली संरचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बोमन नेक हो जाता है इसलिए इसको बोमन कैप्सूल कहते है नेफ्रॉन के अंदर बोमेन कैप्सूल होता है बोमन कैप्सूल होता है बोमेन कैप्सूल बोमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स क्षेत्र में होता है कॉर्टेक्स एरिया में होता है इस कैप्सूल से एक सूक्ष्म यानी छोटी सी सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है कुंडलित नलिका निकलती है कुंडलित नलिका निकलती है जो सीधी होकर जो सीधी होकर किडनी के पेल्विस में प्रवेश करती है किडनी के पेल्विस में प्रवेश करती है इसके उपरांत इसके उपरांत ये नलिका चौड़ी होकर ये नलिका चौड़ी होकर ये नलिका चौड़ी होकर एक कुंडली नुमास रचना से कुंडली संरचना से होती हुई बड़ी कलेक्टिंग डक्ट के रूप में बनती है वृहद कलेक्टिंग डक्ट के रूप में बन जाती है कलेक्टिंग रूप में बन जाती है जो एक सीधी नली होती है जो एक सीधी नली होती है इसमें कई नेफ्रॉन्स आके कई नेफ्रॉन्स की वहीिकाए आके खुलती हैं। कई नेफ्रॉन्स की वही गाय आंखें खुलती हैं इनका कार्य लिक्विड को लिक्विड को किडनी के पेल्विस में ले जाना होता है और यहां से ये मूत्र के रूप में यूरेनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है यहाँ से ये मूत्र के रूप में यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है यहां से आगे लिखिए छोटे हेडिंग लिखिए नेफ्रॉन के कार्य करने की विधि नेफ्रॉन के कार्य करने की विधि कैसे कार्य करता है लिखिए किडनी के किडनी के भीतर दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं किडनी के भीतर दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं पहला है फिल्ट्रेशन और दूसरा है री फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन निस्पंदन या निस्यंदन और रीअब्जॉर्ब को बोलते हैं पुनरावशोषण फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन अब आगे से लाइन बना के लिखते जाइए वन टू थ्री फोर करके फिल्ट्रेशन छोटी हेडिंग चाहे तो डाल सकते हैं लिखिए फिल्ट्रेशन की क्रिया ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है दूसरी लाइन एक मिनट में लगभग एक लीटर ब्लड जिसमें तकरीबन साढ़े पांच सौ से छ सौ मिलीलीटर प्लाज्मा होता है एक लीटर ब्लड जिसका पचास पचपन परसेंट प्लाज्मा होता है ग्लोमेरुलस से होकर बह जाता है ग्लोमेरुलस से होकर बहता है और इसका मात्र दस प्रतिशत भाग छनता है मात्र दस प्रतिशत भाग छनता है लिखिए ब्लड वेसल्स का एरिया कम होने के कारण किडनी के अंदर लिखिए किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स का एरिया कम होने के कारण किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स का एरिया कम होने के कारण ब्लड का प्रेशर तीव्र हो जाता है ब्लड का प्रेशर तीव्र हो जाता है जिसके रिजल्ट के रूप में जिसके फल स्वरूप जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया यानी फिल्ट्रेशन की क्रिया उच्च दाब पर संपन्न होती है जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं हाई प्रेशर पे कंप्लीट होती है जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं इसमें ब्लड सेल्स के अलावा अधिकाधिक हैवी घटक ब्लड सेल्स के अलावा अधिकाधिक हैवी घटक या जो भी उसका इंटरनल एलिमेंट्स है घटक कह सकते हैं आप जो उसका पार्ट है छान लिया जाता है ब्लड प्लाज्मा से वाटर ग्लूकोज मिनरल्स साल्ट इत्यादि निकाल लिया जाता है ल्ट इत्यादि निकाल दिया जाता है लेकिन ब्लड प्रोटीन को और ब्लड सेल्स को जाने दिया जाता है ब्लड प्रोटीन को और ब्लड सेल्स को जाने दिया जाता है इसे ही फिल्ट्रेशन कहते हैं इसे ही फिल्ट्रेशन कहते हैं अगली लाइन लिखिएगा इस प्रक्रिया में हेल्दी तत्व भी छन जाता है हेल्दी तत्व भी छन जाता है छन के बाहर आ जाता है ब्लड के अंदर जो हेल्दी तत्व है वो भी छन के बाहर आ जाता है जिसका निदान अगले चरण में पूर्ण होता है इस प्रकार के चयनात्मक यानी कि जो चूजी फिल्ट्रेशन है इस प्रकार के चयनात्मक फिल्ट्रेशन को जिसमें कुछ ही पदार्थ छाने जाते हैं और कुछ छोड़ दिए जाते हैं डायलासिस कहते हैं इस प्रक्रिया को डायलासिस कहते हैं चयनात्मक फिल्ट्रेशन को डायलिसिस कहा जाता है डी आई ए एल वाई एस आई एस प्रत्येक ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस किस है? जी एल ओ एम ई आर यू एल यू एस ग्लोमेरुलस प्रत्येक ग्लोमेरुलस एक डायलिसिस मशीन जैसा कार्य करता है डायलिसिस मशीन जैसा कार्य करता है अब जैसे ही आप ज्यादा हैवी दवा लेते हैं तो सबसे पहले वो बहुत तेजी से जाती है और क्या करती है जो जो छानने वाली छन्नी है आपके ग्लोमेरुलस के अंदर उसी को ब्रेक डाउन कर देती है अब उस चक्कर में बेचारा पूरा खून वैसे ही दौड़ना शुरू करता है और फिर कष्ट होना शुरू हो जाता है और ठीक करने का इलाज जानते हैं क्या ठीक करने का कोई इलाज नहीं ठीक करने का इलाज सिर्फ ये है कि उसको आराम दे दीजिए किडनी को आप उसके काम को किसी और से करा लीजिए जो बड़ी सी मशीन आदमियों ने बना रखी है आर्ट कोट की डायलिसिस वाली बस उसके उसको आप आराम दे दीजिए किडनी को छोड़ दीजिए कुछ दवाएं बहुत सिंपल दवाएं दी जाती हैं ऐसा नहीं कि बहुत डीप दवाएं दी जाती हैं सिंपल दवाएं बाकी किडनी को छोड़ दीजिए वो स्वयं ही ठीक कर लेगी सोचिए क्या गज़ब की क्षमताएं हमारे मनुष्य के अंदर स्वयं ठीक हो जाने वाली है ना आपको करना है सिर्फ कि आप उसको दो दिन के लिए चार दिन के लिए दस दिन के लिए आराम दे दीजिए आप देखिए डायलासिस का पेशेंट जो होता है वो दो चार बार डायलिसिस कराता तो धीरे धीरे उसकी किडनी ठीक होने लगे अगर होती तो ठीक हो जाती अब चूंकि डायलिसिस पे होती है तो बहुत हैवी दवा भी नहीं दे सकते है ना क्योंकि उसका गलत प्रभाव पड़ता है ऐसे में योग का और एक्यूप्रेशर तो इसका मतलब Uh, सीधा राजा इलाज मान के चलिए अगर डायलिसिस का कोई पेशेंट है और बढ़िया आदमी का आपको कोई मिल जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक चार तो मतलब दस के लिए किसी को पकड़ के लाता हूं, जो आपको एक कॉन्फ्रेंस टाइप का करा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि डायलिसिस मतलब किडनी के ऊपर कैसे प्रभाव करता है एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर जानते हैं ना आप लोग बेसिक अगर बेसिक जानते हैं तो एडवांस वाले को बुलाऊ मैंने तो पहले बेसिक समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत जानते हैं सुजोक वगैरह कुछ भी जी का ये है तो एक दो जानते लो हैं लोग जानते जानते हैं लोग नहीं जानते हैं नहीं जानने वाले हाथ उठाएं जो लोग बेसिक नहीं जानते एक दो दो लोग नहीं जानते हैं और कोई सोना वगैरह भी नहीं जानती होंगे जब सर जानते हैं सोना बहुत पता है सर थोड़ा बहुत से नहीं काम चलेगा ना ठीक है चलिए अब, अब जितना जानते हैं किसी को पकड़ के लाता हूँ किसी मैं भी ले लूंगा देखता हूँ अगर हो सकता है तो अगले संडे को एक वर्कशॉप में रखता हूँ मैं ही आपको पढ़ाता हूँ का बेसिक ठीक है अगर मैं फ्री रहा तो नहीं रहा तो मैं किसी को पकड़ के लाऊंगा किसी अपने बच्चे को एक बैच हम लोगों ने पास किया था पिछले पिछले अगस्त में एक्यूप्रेशर की टीटीसी कराई थी मैंने एक महीने का वो कोर्स था पूरा तो उसमें उसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए थे वो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी को मैं पकड़ता हूँ उसी में से कोई लाके आपको एक दिन पढ़ाएगा ठीक है आप देखिए बेसिक कितना जानते हैं क्योंकि आपका जो बेसिक है जो आप जानते हैं वास्तविकता में है, आप क्या जानते हैं वो भी वो भी जानना मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि आप क्या जानते हैं ठीक है ना चलिए बहरहाल तो मैं बता रहा था आपको कि इसके ऊपर एक्यूप्रेशर का बड़ा शानदार प्रभाव है और प्राणी खिलिंग भी काम करता है लेकिन प्राणी खिलिंग को एक आप सेकेंडरी ऑप्शन रखो बट एक्यूप्रेशर का सीधा इंपैक्ट देखा जा सकता है और हाइड्रोथेरेपी थेरेपी इन सब का बहुत बढ़िया लाभ देखा गया है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेडिसिन काम नहीं करती है डायलिसिस वगैरह में और इससे पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है इसलिए हमें ऑल्टरनेट थेरेपीज के ऊपर अगर आपको एक्यूप्रेशर नहीं भी सीखना पूरा लेकिन किडनी वाला जरूर जान लीजिए किडनी वाले पॉइंट्स को अगर आप जान लेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं छोटी हेडिंग है डालिए री एब्सॉर्बेशन यानी कि पुनरावशोषण पुनरावशोषण देखिए बोमेन कैप्सूल में छनने के बाद ब्लड नेफ्रॉन के बाहर बोमन कैप्सूल में छनने के बाद ब्लड नेफ्रॉन के बाहर के बाहर मौजूद कोशिकाओं के जाल मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर बहता है से होकर बहता है नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय फिल्ट्रेशन में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्व को फिल्ट्रेशन में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्व को नलिकाओं के चारों ओर नलिकाओं के चारों ओर मौजूद ब्लड सेल्स द्वारा मौजूद ब्लड सेल्स द्वारा पुनः सोख कर पुनः सोख कर एब्सॉर्व करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा दिया जाता है ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा दिया जाता है इस प्रक्रिया को री एब्सॉर्बेशन कहते हैं इस क्रिया में इस क्रिया में ऑस्मोसिस यानी परासरण ऑस्मोसिस सिद्धांत का प्रयोग होता है ऑस्मोसिस सिद्धांत का प्रयोग होता है यानी कि अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ बह जाना जो ऑस्मोसिस प्रभाव होता है इसमें इसमें ग्लूकोज विटामस हॉर्मोन्स मिनरल इत्यादि होता है 100 मिलीलीटर फिल्ट्रेशन में 100 मिलीलीटर फिल्ट्रेशन में 99 वापस रीअबॉर्ब ही होता है यानी एक परसेंट ही वेस्ट निकलता है एक परसेंट निकलता है यानी जो आपका मूत्र बन के आ रहा है शरीर से वो शुद्ध मूत्र है क्योंकि तो वो कई बार कई बार जा रहा है कई बार निकल के जा रहा है शरीर से ठीक है अब ऐसे में जब प्रोटीन वगैरह बहने लगता है यूरिन से या श्वेत प्रदर नामक एक रोग है वाइट डिस्चार्ज इसको बोलते हैं तो ये सब हो रहा है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंटरनल जो लेयर है वो इसको री नहीं कर पा रही तो किडनी में खराबी नहीं है किडनी के जो अपर मतलब किडनी के एक हिस्से में एक हिस्सा ठीक कार्य कर रहा दो है दो हिस्सों में बांट दिया हमने एक हिस्सा था जो जिसका काम है छानना छाड़ चार के भेज देना लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कोशिकाओं को जिसको सोख लेना चाहिए था जिसे एब्जॉर्व कर लेना चाहिए था वो कार्य नहीं कर रही है और वो कार्य नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो रोगी है रुग्ण है वो रोग युक्त नहीं है वो सिर्फ लाइफ स्टाइल के कारण से प्रभावित है अब बात यह आती है कि इसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है क्योंकि तो प्रोटीन को सुखाने के लिए अगेन कोई दवा नहीं है आपके पास आपके शरीर से प्रोटीन बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे बताइए आपको कुछ ऐसे तत्वों के साथ उस प्रोटीन को भेजना होगा कि प्रोटीन पहले उन तत्वों से क्रिया करे और क्रिया करके अपने प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को चेंज कर ले उसका फॉर्मेट ही बदल आप सोचिए कि जैसे ऐसा समझिए कि एक जेल है और जेल से एक जेल के आगे खाई है ठीक है तो कुछ रोगी जो, कुछ जो जेल के चोर हैं उन्हें जेल भागना है जेल से परंतु जैसे ही वो जेल से भागते हैं तो खाई में वो बार बार गिर जाते हैं ठीक है और वापस से वो जेल में पहुंच जाते हैं उस खाई को ऐसा बना रखा है लेकिन कुछ रोगी ऐसे हैं जो उस खाई को पार कर जा रहे हैं ठीक है और फिर वो वापस भाग जा रहे हैं वो फिर जाके वो जुर्म करना शुरू करते रहे हैं तो आप जेल को समझिए किडनी खाई को समझिए वो कोशिका जो एब्जॉर्व करती है और भागने को समझ लीजिए कि ब्लड कि वो वापस से यूरिन बना के बाहर भेज देगा तो प्रोटीन क्या कर रहा है वो बार बार खाई को टॉप कर जा रहा है ना वो उसे कर जा रहा है इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का जो आकार है वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो एब्जॉर्व करने योग्य नहीं रहेगा नंबर एक चीज नंबर दो चीज कि प्रोटीन को कई बार छोटे घटकों में तोड़ लिया जाता है ठीक है प्रोटीन का पेप्टाइड बनना पॉलीपेप्टाइड बनना बहुत आम बात है मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना और टूट के वापस शरीर में पहुंच जाना ये बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन ये नहीं हो रहा इसका मतलब ये है कि लिवर का कार्य जो होना था वो तरीके से हो नहीं पा रहा है इस चक्कर में बेचारी किडनी परेशान हो रही ठीक है थीक्या? तो आप अगर अगेन पाचन और आ, आ, तंत्र से संबंधित अगर कोई रोग है तो उसमें सबसे जो मेन कार्य करता है वो है लिवर योगा थेरेपी में हमें सबसे ज्यादा सबसे पहला अंग जो पकड़ना चाहिए ठीक करने के लिए वो है लिवर रोग चाहे कैसा भी दिखे पहला काम करना है दो तीन चीजों को तो बिल्कुल मतलब शुरू ही वो करता है जैसे एक टीवी बनाने वाला आदमी जैसे टीवी खोलता है तो सबसे पहले वो मदरबोर्ड आईसी चेक करता है कि मदरबोर्ड आईसी ठीक है कि नहीं है बाकी सब बाद में आप बोलो डिस्प्ले गिर गए टूट गया तो भी वो क्या करेगा वो मदर आईसी चेक करेगा दिख रहा है कि डिस्प्ले एक दूसरी चीज है मदर आईसी का दूसरा काम वो ये चेक करेगा कि क्या मदर आईसी ठीक कार्य कर रही है कि नहीं कर रही अगर नहीं कर रही है तो डिस्प्ले तो बोलेगा ही बोलेगा चेक कर चेंज करो बाद में बोलेगा कि पहले ये ये मदरबोर्ड आईसी चेक करो ठीक है ये ये चेंज करना है तो आपके लिए मदरबोर्ड आईसी जो है वो है वो आपका लिवर लिवर काम करना चाहिए और व्यक्ति का साइकोलॉजिकल कंडीशन ये दो चीजें आपके लिए मदरबोर्ड आईसी है अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक है तो रोगी को ठीक करना बहुत आसान है और अगर साइकोलॉजिकल के अलावा लिवर में कोई परेशानी है तो भी रोगी जो है वो आपका मतलब आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे बार बार वो खराब होकर आपके पास तो सबसे पहला काम जो है डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्स करने के पचहत्तर तरीके हैं जिसमें डाबर की एक ली फिफ्टी टू दवा है इसके अलावा लौकी का जूस है जूस उपवास उपवास बारह प्रकार का होता है लेकिन एक जो ये बारह बारहों का अभ्यास अगर आप एक बार करते हैं एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं चंद्र क्रिया चंद्रायण विधि बोलते हैं उसे चंद्र क्रिया बोलते हैं चंद्रायण विधि बोलते हैं चंद्रायण विधि का व्रत बहुत लाभदायक होता है लिबर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंद्रह दिन का टोटल अभ्यास होता है टोटल पंद्रह दिन की प्रैक्टिस है चंद्रमा की गति के साथ चीजें बढ़ती हैं खाने का सिस्टम बनता है फिर आप और आजकल उसको ये जो डाइट वाले लोग हैं वो इंटीमिटेंट फास्टिंग नाम से एक नया टर्म क्वन किया इन लोगों ने कि इंटीमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं आप तो वो भी एक उसी का एक चुराया हुआ पार्ट है छोटा सा हिस्सा जिसको अंग्रेजी में बना के बेचा जा रहा है जैसे अधोमुख स्वान आसन जो था उसको डाउनवर्ड डॉग बना के बोल दिया ना अंग्रेजों ने की डाउनवर्ड डॉग तो वो तो वैसे ही उसी तरीके का ये कुछ टर्म हम है इंटीमिटेंट तो वो चंद्रायण विधि जिसे हम बोलते थे चंद्रायण विधि बहुत लाभदायक होती है आपके लीवर को ठीक करने के लिए तो जब भी आप किसी भी रोग को ठीक करने जाइए चाहे वो किडनी की होना तो आप पहले काम कीजिए कि ठीक करना शुरू कीजिए लिवर को लिवर ठीक होगा तो बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्व हो जाया करेंगी उसको टूटने तोड़ने की क्षमता लिवर ठीक होगा तो उसका जूस बढ़िया बनेगा तो आपका जो भी है पॉलीपेप्टाइड ग्लूकोज का ग्लूकेगन में फ्रक्टोज माल्टोज माइलेज एंजाइम्स जो भी है आपके पेट के अंदर वो एब्जॉर्व करेगी चीजों को और हल्का बना के ब्लड के अंदर भेजेगा ब्लड फिर तेजी से जाएगा तो बहुत आराम से वो एब्जॉर्बशन वाली प्रक्रिया ठीक होगी तो किडनी के ऊपर बेटर इंपैक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है ठीक है आगे लिखिए लिखिए नेचर ऑफ नेचर कंपोजिशन ऑफ यूरिन यानी कि मूत्र की, की संरचना एवं प्रकृति मूत्र की संरचना एवं प्रकृति अब जो भी चीजें रिऑब्सॉर्ब होने को थी वो हो गई बाकी जो भी बचा है वो सब मूत्र हो गया ठीक है वो सब यूरिन है अब आगे हमें यूरिन के ऊपर फोकस करना देखिए किडनी से किडनी से जो भी ब्लड आता है जो भी ब्लड से निकल के तत्व आता है जो रीएब्जॉर्ब होने के पश्चात बचता है उसे मूत्र कहा जाता है जो भी रीएब्जॉर्ब होने के पश्चात बनता है उसे मूत्र कहा जाता है इसका पीला रंग इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के एक वर्णक हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट यूरोक्रोम के कारण से होता है यूरोक्रोम यू आर ओ सी एच आर ओ एम यूरोक्रोम यूरो के कारण होता है और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है यूरोक्रोम ये प्रश्न पूछा भी गया है हर परीक्षाओं में आया है मूत्र का रंग पीला क्यों होता है क्या कारण है तो ये यूरोक्रोम के कारण से होता है देखिए मूत्र का गंध मूत्र का गंध कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है एक सामान्य व्यक्ति में एक दिन में तकरीबन डेढ़ लीटर मूत्र बनता है डेढ़ लीटर मूत्र बनता है पेशाब बनता है पेशाब जो शब्द है ये फारसी शब्द है वहां पानी को आब बोला जाता है आब फारस में अरबिक लैंग्वेज में तो आब के कारण से पिश आब ठीक है पिश प्लस आब तो आब हो गया जैसे तेजाब तेजाब जानते हैं जानते ना तेजाब तेजाब है ना तो वैसे आब नाम से बहुत सारी चीजें होती हैं गुलाब गुलाब जिससे गुलाब जल जो बना करता था गुलाब जल उसको गुलाब गुलकंद से जो आप बनता था उसे गुलाब आगे लिखिए सामान्यतया मूत्र सामान्यतया मूत्र मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा जल की मात्रा भोजन की प्रकृति शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है साथ ही वातावरण का ताप भी महत्वपूर्ण है और वातावरण ताप को यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर को अंडरलाइन कर लीजिएगा वातावरण का ताप जब होगा तो यूरिन जो है वो उसकी वृद्धि हो जाती है वो तेज हो जाता है वातावरण के ताप का भी प्रभाव पड़ता है सामान्यतया लेकिन जनरली ताजा मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है एसिडिक होता है लेकिन मूत्र में 96 सिक्स परसेंट वॉटर नाइंटी सिक्स परसेंट वॉटर दो परसेंट यूरिया दो परसेंट यूरिया डेढ़ परसेंट प्रोटीन फैट सुगर और अन्य कोलाइड्स छियानवे परसेंट आपका हो गया वाटर दो परसेंट यूरिया और बाकी के दो डेढ़ परसेंट में प्रोटीन फैट सुगर और कोलाइड्स इत्यादि और बाकी देखिए आधा परसेंट यूरिक एसिड होता है यूरिक एसिड होता है इसमें लिखिए इसमें क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, यानी के एन ए सी एम जी सी एल सल्फेट फॉस्फेट अमोनिया आयोडीन नाइट्रोजन जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो सब लिख लिया होगा छोटे छोटे रूप में फॉर्मेट में और जो लोग हिंदी से पढ़ के लिखते होंगे वो आयोडीन वगैरह से बड़ा बड़ा लिखेंगे है ना केमिस्ट्री के सारे तत्वों को लिखने में बहुत तेजी से हाथ चलता है अगर आप लिखेंगे तो बहुत जल्दी लिख लेंगे अगर आप केमिस्ट्री जानते हो तो और नहीं जानते हो तो एक, एक नाम लिखेंगे मैं फिर भी बोल देता हूँ एक बार <coughs> लिख लीजिए क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन का ये तो एक तत्व है सोडियम एन ए पोटेशियम के कैल्शियम सी मैग्नीशियम एम क्लोरीन का सी फिर अमोनिया एन एस थ्री आर्सेनिक, आयोडीन नाइट्रोजन आय, आयोडीन आई नाइट्रोजन इत्यादि होता है आगे लिखिए अगली लाइन मूत्र श्राव की मात्रा को बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहा जाता है मूत्र श्राव की मात्रा को बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहा, कहा जाता है और जिस कारण से यह बढ़ता है उसको ड्यूरेटिक कहा जाता है ड्यूरेटिक कहा जाता है यूरिया आगे लिखिए यूरिया एक ड्यूरेटिक एक ड्यूरेटिक पदार्थ है यूरिया एक ड्यूरेटिक पदार्थ है आगे लिखिए मूत्रस्राव मूत्राव का सीधा संबंध मूत्र स्राव का सीधा संबंध ब्लड में यूरिया की मात्रा पे निर्भर करता है आगे लिखिए मैनिंटॉल मैनिंटॉल और ग्लूकोज सुक्रोज, सुक्रोज, कैफीन ये सब ड्यूरेटिक पदार्थ है यानी कि जो पेशाब को बढ़ा देता है तो एक आपने कहावत सुनी होगी कि बहुत टेंशन हो रही है तो कॉफी पी लो ठीक है मामला सेटल हो जाएगा तो उसका सीधा संबंध इधर भी है यानी टेंशन हो रही है यानी ब्लड का प्रभाव तेजी से बह रहा है बहुत तेजी से ब्लड बह रहा है प्रेशर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा कॉफी पिएगा तो वो क्या करेगा ड्यूरेटिक प्रभाव है तो ब्लड को छानने के लिए ज्यादा उत्तेजित करेगा तो यूरिया वगैरह नेसेसरी पदार्थ बाहर निकल जाएगा तो ब्लड तेजी से भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा बना के रख पाएंगे आप कोई परेशानी नहीं होगी और बाकी जो मैनेटोल वगैरह है इन सबकी तो इंजेक्शन आती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पिशा भी नहीं होता है ना इसीलिए एक आपको मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ साइकोलॉजी में एक हालिया शोध हुई है जिसमें ये कहा गया है कि घरों में होने वाला जो अलग अलग प्रकार की बातचीत है वो सब का प्रभाव बहुत सकारात्मक माना जाता है। जैसे डांटना किसी को अगर आप बहुत जोर से डांटते हैं किसी को बहुत प्रताड़ित करते हैं किसी से थोड़ा तो घृणित शब्द में बात करते हैं तो वो अगर आप उसे उस श्रेणी में लेके जा पाते हैं यानी जो भाव है मान लीजिए मैंने आपको बहुत जोर से डांटा तो आप यदि कष्ट में आते हैं तो मैं सफल हूं यानी कि इसके कारण से आपका जो प्रेशर है जो आपका ब्लड का प्रेशर है जो उसका तत्व है वो सकारात्मक कार्य करेगा वो अन्य कारणों से प्रभावित नहीं होगा देखिए जिन घरों में जिन बच्चों के साथ बेदहाशा सिर्फ प्रेम सिखाया जाता है वो समाज में असफल हो जाता है अभी आप जाके देखिए हमारे शहर में नोएडा में मैं देखता हूँ लगभग बहुत सारे घरों में हम लोग योगा कराने गए हैं अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हमने लगाया है योग में तो जब भी घरों में आते तो एक ना एक बालक जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को सामान्य तौर पर बुद्धि से कमजोर दिखाई दे रहा होता है वही अगर आप हमारे ग्रामीण परिवेश में चले जाए तो सारे के सारे ऐसे हैं कि वो पूरा बेच बेचते अगर उनको मौका मिले तो तो अगर आप देखिए दो तरीके के दो तरीके के लोग हैं क्यों क्योंकि जो गांव का बच्चा है उसको डर है कि पिताजी आएंगे तो मारेंगे ठीक है ये तय है और यहाँ क्या है सिस्टम कि नहीं नहीं पिताजी आएंगे तो फिर तो वो वो माता को ही डांटेंगे क्योंकि माता जी ने क्यों मारा मुझे क्यों डांटा मुझे तो हर चीज का अपना बहुत प्रभाव देखा गया है और ये सब चीज जो ये, कैफीन, ये सब इसी वगैरह सिद्धांत पे कार्य करता है कि आप अपने मन को मस्तिष्क को हर तरीके की भावनाओं में लेके जाए आयुर्वेद में छह प्रकार के स्वाद का वर्णन आता है और वो स्वाद जो है छह प्रकार का टेस्ट बताया गया कोई जानता है छह टेस्ट कौन कौन सा होता छह टेस्ट बताया गया है आप पढ़िएगा आयुर्वेद में छह प्रकार का टेस्ट होता है और छहों टेस्ट का अपना प्रभाव है ठीक है वैसे ही मनुष्य के साथ में सोलह प्रकार के व्यवहारों का वर्णन आता है सिक्सटीन टाइप ऑफ बिहेवियर जिसमें प्रेम है प्रेम भी कई सारे सिद्धांतों से है। प्रभावित है ठीक है पित्रात्मक प्रेम अलग हो गया मातृत्मक प्रेम अलग हो गया है ना पत्नीत्मक प्रेम अलग हो गया बहनात्मक प्रेम जो है वो अलग हो गया ठीक है मित्र का प्रेम अलग हो गया अब कई बार ऐसा है एक मैं आपको कहानी और केस स्टडी मेरे पास इतनी भरी पड़ी है मैं आपको बताऊं एक हमारे एक क्लाइंट थे वो फाइटर जेट्स उड़ाया करते थे अपने जमाने में और रिटायर हो गए तो यहाँ जलवायु बिहार बनाया हुआ है नोएडा में एयरफोर्स वालों और नेवी वालों के लिए जल और वायु विहार

मैंने देखा तो वो एक लड़की थी जिसके बाल छोटे छोटे से थे और बड़ी लड़की थी मतलब मुझे लग रहा है पच्चीस छब्बीस साल की थी और निकली निकल के गई और कुछ लिया और लेके वापस आ गई ठीक है वापस आके कमरे बहुत मतलब तेजी से पटका उसे और मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखती हुई गई थी मैं मुझे लगा कोई होगा हो सकता है मैं बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया सामान्य घटना थी चार दिन पांच दिन दस दिन मैं हर दिन देखता कि ऐसा ही था मैंने बोला एक दिन जिज्ञावा सा मैंने उनसे पूछ दिया जो एयर कमांडर थे मैंने बोला साहब ये आपकी पुत्री है क्या बोले सर धीरे बोलो धीरे बोलो सुनना मैंने बोला क्यों क्या हो गया मैंने ऐसा क्या कह दिया बोले नहीं नहीं उसको इस बात का बहुत घृणा है और वो हमसे पिछले दो वर्षों से घृणा करती है और घर से बाहर ही नहीं जाती वो वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिए कमरे में उसकी सारी दुनिया है कंप्यूटर वगैरह सब लगा रखा है दिन में उठेगी कुछ भी करेगी वो अंदर ही सब वो उसका बेडरूम वगैरह सारी चीज़ें उसे जो भी चाहिए होती है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती है और हमें पैसा देना पड़ता हमसे कोई बातचीत नहीं करती और घर के अंदर पड़े मैं सोचा मैंने बोला ये क्या गजब केस है बताइए सारी चीज ऑर्डर कर लेती है साबुन चाहिए वो ऑर्डर हो गया तेल चाहिए ऑर्डर हो गया सब कुछ घर के अंदर ये खाना आप उसके दरवाजे में मिलना और बीमार फिर वो घृणा किस बात का कर रही है जब यूज सब आप ही का कर रही है मैंने उनको बोला मैंने बोला आप सेना में थे और आपको तो चाहिए कि ऐसे मतलब ऐसे जो बिगड़े हुए बच्चे इनको तो बहुत आसानी से कंट्रोल किया सकता है क्योंकि मैं तो अपने परिवेश से सोच रहा था हमारे यहाँ अगर कोई बिगड़ने की सोचे तो घर वाले ऐसा इलाज करते हैं कि दोबारा आदमी सोचे ही ना जब हम लोग छोटे से थे तो पचास ग्राम सरसों का तेल यहाँ लगाया जाता था और बाल को ऐसे चिपका के जाते थे ठीक है और शक्तिमान बनते हुए दो रुपए का सिक्का मिलता था और शक्तिमान बनते हुए घूमते घूमते स्कूल पहुंच जाते थे सीधा राज के बच्चों का पांच सौ पॉकेट मनी का सिद्धांत मैंने बोला सर ये सिद्धांत आया कैसे बोले कुछ नहीं ये बगल में एक स्कूल में पढ़ती थी और वहां पे भी रहती थी इसको लगने लगा कि हम लोगों ने जीवन में कुछ नहीं किया और ये नहीं किया मैं बड़ा ईमानदार अधिकारी था मतलब बहुत सारी फिर वो बोले सर अब मैं सुनाऊंगा तो सुनाते रह जाऊंगा आज मेरे को आ, मतलब हम लोग इस विषय को बाद में बात करेंगे बाद में हमारी चर्चाएं हुई बहुत चर्चाएं हुई और मेरे को दिखा कि सब कुछ तो नॉर्मल ही था ये सिद्धांत आया कैसे तो जब वो पूरा जब मैं उस पूरी कहानी के तह में गया तो उस कहानी के पीछे निकली एक एक उनकी पड़ोस की फैमिली और पड़ोस की फैमिली की जो उनकी बेटी थी जो पड़ोस वालों की बेटी थी वो अपने उम्र से बहुत बुद्धिमान थी उसकी उम्र भी इसी के बीस बाईस साल पच्चीस साल के आसपास थी लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एज जो थी वो तकरीबन पैंतालीस पार थी पैंतालीस पचास ऑन एन एवरेज तो वो क्या करती थी कि इसको चढ़ा दिया करती थी और ये बेचारी अपने मित्र से इतना प्रेम करती थी अपने फ्रेंड से इतना प्रेम करती थी कि इवन मतलब एक ऐसा आपको मैं मैं मतलब दंग रह गया था उनकी ये लाइनें सुन के दो हजार बारह तेरह की बात है उन्होंने कहा था कि नहीं ये कन्या जो है वो ये तो कन्याओं से ही शादी करने में इंटरेस्टेड है यहाँ तक की बात हो गई थी आप समझिए तो चीजें तुरंत परिवर्तित हो जाती हैं फिर मैंने बोला आप देखिए मैं चूंकि मैं बात कर नहीं सकता और वो चाहते भी नहीं थे कि मैं बात करूं उस बच्चे से थोड़ा बहुत हालांकि वो केस मैं हैंडल कर सकता था लेकिन फिर मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि हमारे सिद्धांतों में एक बात ये पढ़ाई जाती है कि अगर आपसे सामने से कोई हेल्प ना मांगे तो आप चाह के भी उसकी हेल्प मत कीजिए ये योग का बहुत बड़ा सिद्धांत है आप जान रहे हैं कि कोई रोगी है रुग्ण है परेशान हो रहा है अनलेस वो आपसे सहायता ना मांगे तब तक आप परेशान मत कीजिए और मैं इस इस सिद्धांत को चार गुनी रफ्तार से फॉलो करता हूँ यानी मेरे से कोई सहायता मांगे भी तो जब तक मैं ये श्योर नहीं हो लेता कि इसको सच में मेरी ही जरूरत है या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मुझे मांग रहा है तब तक मैं उससे बात ही नहीं करता चार बार आप जैसे आपको मेरे को कोई बात करनी है कि मेरे साथ ही काम कर लो काम कर लो तो आप संदेश भेजते रहेंगे एक बार दो बार मैं देख रहा हूँ कि आपको जरूरत है आपको अगर मेरी जरूरत है तो मैं मिलूंगा लेकिन आपके चौथे संदेश के बाद आपके पेशेंस के बाद क्या आप कितने पेशेंस में हैं फिर मैं आपको मिलूंगा तो वो सिद्धांत क्यों क्योंकि जिसको आपकी जरूरत है आपकी विद्याओं का गलत इस्तेमाल ना हो क्योंकि लोग आप किसी को अपना सर्वस्व दे देंगे लेकिन अगला व्यक्ति आपका सम्मान नहीं कर पाएगा और इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है तो हमेशा से इसीलिए पहले योग शास्त्र को बड़ा ब्लॉक करके रखा जाता था ब्लॉक करके मतलब किसी को बताते ही नहीं थे और ऐसा नहीं है मैंने इस सिद्धांत पे बकायदा बड़ा रिसर्च किया कि क्यों नहीं बताते थे क्या ऐसे थे नहीं कि झूठ बोलते आप देखोगे तो आप ये बात जान जाओगे कि क्यों नहीं बताते थे क्योंकि इस सिद्धांत का सिर्फ गलत इस्तेमाल होता था आज हम लोग जो काम करते हैं हमारा कार्य क्या है कि सिर्फ व्यक्ति को ठीक करके पैसा कमा लेना यही तो हमारा काम है

इसीलिए नहीं बताया जाता बैन कर रखा था आप लोगों के लिए योगा और ऐसे लोगों के लिए अभी भी बैन होना चाहिए जो रणधीर बन के घूम रहे हो अगर आपको कोई मतलब आप अपने योग के करियर में चाहे सूट नहीं मैं कह रहा हूं बिल्कुल रणबीर कपूर बन के घूमो ठीक है उसके जैसा कपड़ा पहनो लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सर नहीं कह पा रहा है यानी वो सम्मान मतलब सर ना कहे वो रणबीर ही कहे रणधीर ही कहे लेकिन अगर वो सर वाला सम्मान नहीं दे पा रहा है तो फिर आपके योग टीचर होने पर अधिकार है क्योंकि आपके पास ना तो शब्द है ना तो शैली है ठीक है शब्द का मतलब होता है आपके पास चयनात्मक श्रेणी के शब्द होने चाहिए योग टीचर होने के नाते शैली आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि जब आप अपना जीवन जियो तो वो दिखे कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो है कुछ तो दिखना ही चाहिए आपके ऊपर मतलब भीड़ से थोड़ा सा अलग होने का एंड आई टेल यू की योगा अपने लोगों को खुद चुनता है जिसको भी चुनता है ऐसा नहीं कि कोई भी आया आलतू फालतू और इसमें बना रहे नहीं हर वो व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी कैपेसिटी होती है वही इस क्षेत्र में आ पाता है और आप परिवर्तन करेंगे तो अपने आप को उस स्थान तक लेके जा सकेंगे भारत का दुर्भाग्य ये रहा है कि हर एक हजार छात्राओं में छात्रों में तकरीबन 950 महिलाएं होती है। एक कक्षा में अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 950 हंड्रेड एंड फिफ्टी वोमेन्स होती है अगर वन थाउजेंड एवरेज चलाओ पंचानवे प्रतिशत महिला छात्र हैं लेकिन महिला उद्यमियों की जब बात की जाती है वुमेन वो वोमेन की तो हमारे पास हमारे पास ये श्रेणी उल्टी हो जाती पांच परसेंट ही महिला उद्यमी है और पंचानवे परसेंट पुरुष उद्यमी है योग हो या अन्य इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी विधा कोई भी एक बड़ी फेमस महिला का नाम बता दिए आप मुझे जो बहुत विद्वान बहुत श्रेणी तक आगे बढ़ा और ऐसा नहीं कि इसमें परिवार और कार्य और तमाम चीजें बाधाएं बनती है इसमें बात आती है इच्छा शक्ति की इच्छा शक्ति आती है और चीजें परिवर्तित हो जाती है और इसका जीता जागता उदाहरण है इंस्टाग्राम आप जाके उसमें देखिए जो ये नौ योगिनियां आ रही हैं इनका कार्य क्या है रील्स बनाना ठीक है बनाइए लेकिन ऐसा थोड़ा सा लगे कि वो योग का रील बन रहा ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल मतलब उसकी आत्मा को मार के आप सोच रहे हैं कि आप फेमस हो जाएंगे तो आपका मतलब आपके ऊपर लाना था है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए चलिए बहरहाल हम लोग थोड़ा सा बह जाते हैं इधर उधर सब्जेक्ट से मैं आपको कहानी से कहां से कहा लेके गया मैं आपको बता रहा था कि आ, मस्तिष्क का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है किडनी के ऊपर ठीक है अब आगे देखिए फंक्शन ऑफ किडनी फंक्शन ऑफ किडनी छोटी हेडिंग देखिए सबसे पहला कार्य तो इसका यह है कि ब्लड के पीएच को कंट्रोल करता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी ब्लड जो है जिसका क्षारी प्रकृति है उसको वो बना के रख में ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल करता है किडनी का महत्वपूर्ण दूसरा कार्य है कि यह ब्लड के प्रेशर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है तो योग के छात्रों ये बात याद रखिए कि जीवन में ब्लड प्रेशर का कारण सिर्फ टेंशन डिप्रेशन अवसाद नहीं है किडनी भी है अतः जल का पूर्ण सेवन करें ठीक है जितना संभावित हो सके पानी का पीना क्यों परासरणी दाब को कंट्रोल करता है जो उसकी ऑसमोस प्रेशर है उसको कंट्रोल कर देता है और जब वो प्रेशर एक बार कंट्रोल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड का प्रेशर आपके नियमन में आ जाएगा लिहाजा पानी का पीना बहुत जरूरी है इसीलिए जब भी गुस्सा वगैरह आता है तो पानी ऑफर करते हैं येलो येलो पानी पियो पानी पियो पानी पियो ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ गुस्सा है तो पानी क्यों दे ताकि वो जाए थोड़ा सा उस प्रेशर को रिलीज करे ठीक है और वो वो ये सोच के देते कि पानी पिएगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा और गुस्से वाला आदमी भी ये बात जानना होता है कि पानी पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा लेकिन असल में वो पानी जाता है पेट में पचता है फिर किडनी तक पहुंचता है उस प्रोसेस में पंद्रह मिनट का समय लगता है तब तक तो आदमी गुस्से में बम से उड़ा दे देश पूरा है ना लेकिन आदमी को ये लगता है कि नहीं 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 ये पानी जो है ये गुस्सा कम कर देगा गुस्से वाला एक और आपको खास बात है गुस्से का मतलब सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन और अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता है जिसको गुस्सा आ रहा होता है ये बात मैं आपको मतलब साइंटिफिकली बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि बस प्रवचन के रूप में दे रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो गुस्सा कर रहा है नब्बे वो दिखावा कर रहा है नब्बे ये बात जान लीजिए अतः कभी भी आपके सामने कोई गुस्सा कर रहा हो तो सबसे पहला कार्य करना ये होता है कि आप उसके अहंकार को सेटिस्फाई कर दीजिए जैसे ही आपने उसके ईगो को सेटिस्फाई कर दिया उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाए और यह तो व्यक्ति जो चिढ़ता हो चिढ़ने वाले गुस्से को तो फिर आप चिढ़ाते रहिए उसका तो कोई इलाज नहीं लेकिन जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे पे गुस्सा कर रहा हो

तो जो मेरा प्रिंसिपल था बेचारा वो बहुत उनके पे बड़ा गुस्सा रहा करते थे और कभी भी मारना होता था तो सबसे पहले उसी की कॉपी चेक होती थी कि कॉपी चेक दिखाओ तो क्या नहीं किया अब वो बेचारा इस चक्कर में बार बार पिट जाया करता था और मैं मतलब उन बातों को अब मैं जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो चीजें याद आती है तो मुझे लगता है कि बताइए टीचर जो है वो बायस नहीं होना चाहिए परंतु ये सब हमने देखा है और ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों में तो ये सब बातें बहुत आम मतलब वो इतना शिक्षा में अपने सब्जेक्ट में परांगत होते हैं ना लेकिन टीचिंग मेथोडोलॉजी उन्हें नहीं आती टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं आती तो अब उसका क्या कर सकते हैं तो ये सब होता रहता है आगे लिखिए तीसरा कार्य किडनी ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर सैल्स की मात्रा को नियंत्रित करती है कंट्रोल करती है देखिए शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एंजाइम के श्रावण से विशेष एंजाइम के सिक्रीशन से किडनी एरिथ्रोपोइटीन ई e आर वाई टी एच आर ओ पी ओ आई फिर से बोलता हूं ई e आर वाई टी एच आर ओ पी ओ आई ई -E टी आई एन एरिथ्रोपोइटीन नाम का हार्मोन बहाता है या निकलवा देता है बनवा देता है बना बनवा देता है बनाता नहीं है याद रखिए बनवा देता है जो आरबीसी जो आरबीसी प्रोडक्शन में सहायक होता है यानी आरबीसी तेजी से बननी शुरू हो जाती है आगे लिखे टॉक्सिक्स को बाहर कर देता है ये तो आप जानते हैं यानी पूरा पूरा मूत्र बनाना टॉक्सिक्स को निकाल के बाहर कर देता है बस और एक कि शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखता है वाटर बैलेंस को बना के रखता है वाटर बैलेंस को बना के रखता है ठीक है इसी के साथ आपका चार महत्वपूर्ण तंत्र जो है वो समाप्त होता है उत्सर्जी तंत्र समाप्त हुआ फेफड़ा वाला यानी कि आपका रेस्पिरेटरी समाप्त हुआ ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हुआ डाइजेस्टिव यानी कि पाचन तंत्र आपका समाप्त हुआ तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम समाप्त हुआ ये पांचों महत्वपूर्ण सिस्टम जो आपके लिए बहुत विशेष थे ये समाप्त हुए अगले लेक्चर में हम लोग अब अति विशिष्ट जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे हॉर्मोन्स नाम से जाना जाता है बहुत घंटे के लेक्चर में पूरा हम लोग खत्म कर सकते हैं मेजर तकरीबन तक पंद्रह हॉर्मोन मेजर है जिनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे उसी पे आपका मतलब योग अध्ययन में उतने पे काम चल जाएगा ठीक है कल की कक्षा जो है वो आपके लिए अति विशिष्ट होगी तो कल आप लोगों से उपस्थिति है कि पूरी मात्रा में रहिएगा और आज तारीख हो गई आज तारीख क्या है चार दिसंबर है पांच छह दो दिन का समय मुझे और दे दीजिए दो दिन हम लोग और अध्ययन करके समाप्त कर लेंगे ठीक है सर एक क्वेश्चन है हमारा जी जी प्लीज सर मानव मस्तिष्क में दस हजार मिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं तो क्या योगिक क्रिया में वो घटते बढ़ते हैं यौगिक क्रिया में ऐसा नहीं कोई कोशिका ना बढ़े कोई कोशिका न घटे न्यूरॉन्स जो है वो क्या है संवेदांग माना माना जाता है माना जाता है है उसको संवेदी अंग तो जब आप यौगिक प्रक्रिया करते हैं यौगिक प्रक्रिया क्या यौगिक प्रक्रियाओं में जैसे मान लीजिए शोधन की प्रक्रिया ले लीजिए ठीक है तो अब शोधन के दौरान जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव तीव्र होगा अब जैसे आप दंड धोती कर रहे हैं दंड धोती में जैसे ही झटका शुरुआत जब आप अभ्यास करेंगे शुरुआती अभ्यास तो जैसे ही एक मोटा सा डंडा जब आपके इसोफेगस में जा रहा होता है तो जब वो एक आए एक झटका क्रिएट करता है ना उल्टी वाला आपने फील किया से तुरंत ही जो लोग करते होंगे दंड धोते उन्हें पता होगा वो बहुत तेज झटका आता है तो वो सीधे मस्तिष्क में ही आता है वो छोड़िए मैं आपको बताता हूँ जब आप नाक से पानी पीने की जो प्रक्रिया होती है शीत कर्म कर्म और विरुद्ध का अभ्यास कर रहे होते हैं उस दौरान बहुत तेजी से घटता बढ़ता है बहुत तेजी से घटता है हाँ वहीं पे आप कपाल भाती कीजिए तो वहां पे बढ़ता भी है सकारात्मक प्रभाव में यानी कपालभाती के एक क्रम में जहाँ घटा वहीं पे कपालभा के एक क्रम में बढ़ा भी न्यूरॉन्स देखिए विचारों पे बहुत अदक डिपेंडेंट होता है और इसके बढ़ने घटने की प्रक्रिया है इवन शरीर की हर सेल बढ़ती और घटती रहती है बढ़ेगी जब उसकी प्रक्रियाएं होंगी घटेगी जब वो नकारात्मक तो। ही वृद्धि का कारक बनता है कोई चीज घटती है तो वो ज्यादा तेजी से वापस से बढ़ती है। ठीक है सर जो आपने वीट ग्रास बताया था और जो वो डिफरेंट है कि अलग एक ही है नाम उसका वीट ग्रास होता है है तो जो उसको वीट या ग्रास यानी कि जो नवरात्रों में जो उगाए जाते हैं वही हाँ जो हाँ नवरात्र में जो उगता है वही जो उसको जो ही बोलते हैं अंग्रेजी वाले लोग उसको वीट ग्रास ही बोलते हैं जैसे हा, हाथी के ड्राइवर को एलिफेंट ड्राइवर बोलते हैं हिंदी में हमारे पास शब्द है महावत लेकिन अंग्रेजी वालों के पास शब्द नहीं है तो एलिफेंट का ड्राइवर बोल देते हैं ठीक है एलिफेंट ड्राइवर तो ऐसा शब्द है कि वो वीट ग्रास उसको बार्लेज ग्रास नहीं बोलते पता नहीं क्यों नहीं बोलते लेकिन वीट ग्रास उसे बोला जाता है बार्लेज जो को बोलते हैं और जो सो जो सर गेहूं का जो घास होता है वो भी क्या बेनिफिशियल होता है हाँ वो अगर गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं जो है वो आपके ब्लड के लिए बहुत लाभदायक होता है किसी का हीमोग्लोबिन बिल्कुल घट गया बेकार हो तो उसके लिए ब्लड वो लाइए तुरंत देखिए तीव्रता से बढ़ेगा पाचन शक्ति के लिए बहुत लाभदायी होता है और एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है उसके अंदर और बहुत सारा लाभ है उसका बहुत ज्यादा और ये तो मतलब हर व्यक्ति को एक हफ्ते में दो बार एक बार पीना ही चाहिए संडे संडे वाले दिन ठीक ठीक है 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 ग्रीन ना सर उसको? वो बहुत लाभदायक होता चलिए फिर अगला अगला तंत्र आपका इंतजार कर रहा है अगला तंत्र अच्छा पांच मैंने अस्थि तंत्र का तो नाम ही नहीं लिया अस्थि तंत्र भी तो हमने पढ़ लिया बोन्स का भी तो अध्ययन किया था तो बोन्स वगैरह भी कर लिए बस मसल्स और ये बचा हुआ है ठीक है चलिए आज यही समाप्त करते हैं बहुत बहुत आभार अगले लेक्चर में हम लोग से वापस कल मुलाकात होगी थैंक यू सो मच